जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपको साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। हम जब भी हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ख्याल आता है कि इस फिल्म का हीरो कौन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें हीरोइन का लीड रोल रहा है, उसके बावजूद उनको दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। उन फिल्मों में या तो हीरो कोई मामूली एक्टर या तो फिर एकदम नया एक्टर था, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने जम के कमाई की है और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी लूटी है। आज हम अपनी स्टोरी में ऐसी फिल्मों की बात करने वाले हैं, तो देखते रहिएगा अंत तक हमारी इस स्टोरी को। तो हम शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले नंबर 10 पे है 2017 में आई फिल्म क्राइम थ्रिलर मॉम। इस फिल्म में श्रीदेवी लीड रोल में थी, उनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना, पाकिस्तानी एक्टर साजल अली और अदनान सिद्दीकी भी मुख्य किरदारों में थे। 30 करोड़ बजट की ये फिल्म थी और इस फिल्म ने 175.7 करोड़ का छप्पर फाड़ बिजनेस किया था। इस फिल्म में मां के रोल में दिखी श्रीदेवी ने पावर हाउस परफॉर्मेंस दी थी और फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को गजब लगी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि श्रीदेवी एक टीचर होती हैं, उनकी सौतेली बेटी होती है जो कि उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती होती, आर्या सजल अली, और उसी उसमें एक स्टूडेंट होता है मोहित जो उसको अश्लील मैसेजेस करता रहता है। श्रीदेवी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मगर उनकी सौतेली बेटी अपनी माँ को प्यार नहीं करती है। एक बार दिखाया गया है कि वैलेंटाइन डे पर मोहित के बुलावे पर आर्या उसे मिलने जाती है और रेप करने के बाद मोहित उसको एक गटर में फेंक देता है। कोर्ट केस होता है और इसमें जीत जाता है मोहित, लेकिन देवकी यानी कि श्रीदेवी अपनी सौतेली बेटी के वो जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसके लिए लड़ने का फैसला करती है। एक डिटेक्टिव यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फिर पुलिस ऑफिसर के तौर पर अक्षय खन्ना की एंट्री होती है। गजब का रोल इन तीनों ने किया है, लेकिन श्रीदेवी ने क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी थी। और फिल्म का ट्विस्टर्न यहीं से शुरू होता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो प्लीज़ 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 इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। गजब की ये फिल्म है और फिल्म में श्रीदेवी का रोल तो कमाल का था। 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म आई थी इंग्लिश विंग्लिश। इस फिल्म में भी श्रीदेवी थी और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और अपने ही बल पर फिल्म को सुपर डुपर हिट कराया था। फिल्म में श्रीदेवी शशि नाम की एक महिला के किरदार में थी और अपने बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए वो छोटा मोटा स्नैक्स का बिजनेस करती हैं। लेकिन श्रीदेवी जो खुद अंग्रेजी नहीं बोल पाती हैं, उसकी वजह से उनके परिवार में और समाज में उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। श्रीदेवी की एक बड़ी बहन जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं, उनकी बेटी की शादी में श्रीदेवी न्यूयॉर्क जाती हैं। वहाँ एक कैफे में दिल को हिला देने वाला, झंझोर देने वाला एक शॉट होता है। अंग्रेजी न बोल पाने के कारण श्रीदेवी को जो दर्द झेलना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी कमाई के पैसों से वहाँ पे एक इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करती है, जहाँ पे उनको अलग अलग देशों के अलग अलग दोस्त मिलते हैं। उनमें एक युवक होता है जो उनसे इतना प्रभावित होता है कि उनको अपना दिल दे बैठता है। और उसके बाद इस फिल्म में ज़बरदस्त का टर्न आता है जब उसकी फैमिली के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और श्रीदेवी उनके बीच में अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। तो ये अंग्रेजी को लेकर जो लोगों में इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी और बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। नंबर 8 पे हम बात करेंगे 2018 में आई मेघना गुलजार की फिल्म राजी की। इस फिल्म में दिखाया गया कि कश्मीर के एक बहुत ही देशभक्त परिवार की एक बेटी होती है जो रॉ एजेंट होती है। वो एक पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी के घर में बहू बनकर जाती है और उसके बाद जासूसी करती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म में लीड रोल में थी आलिया भट्ट। उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर चलाया था। बेहद खूबसूरत और बड़ी शानदार इमोशनल कर देने वाली ये फिल्म थी। नंबर 7 पे हम बात करेंगे यशराज की सीरीज मर्दानी। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 दोनों फिल्मों में लीड रोल में थी रानी मुखर्जी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी राव का रोल किया था। इस फिल्म में 21 साल के एक साइकोपैथ किलर को दिखाया गया था जो कि रेप के बाद मर्डर कर देता है लड़कियों का, और उसको पकड़ने के लिए
शिवानी लग जाती है और उसके बाद जब वो एसीपी शिवानी राव को देखते है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए टीवी पर, तो उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो ट्रेस करने लगता है शिवानी यानी कि रानी मुखर्जी को। दोनों एक दूसरे की तलाश कर रहे होते हैं और उसके बाद जो फिल्म का ट्रीटमेंट था वो गजब का था। रानी मुखर्जी की एक्ट बहुत ही गजब की थी। नंबर 6 पे हम बात करेंगे 2014 में आई विवेक बहल की फिल्म क्वीन की, कॉमेडी ड्रामा। इस फिल्म में कंगना रनावत, राजकुमार राव, लिसा हेडन मुख्य भूमिकाओं में थी। इसमें कंगना यानी कि रानी जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हैं उनके फियांसे जो उनको शादी से पहले छोड़ देता है और वो फैसला करती हैं अकेले ही हनीमून पे जाने का। और उसके बाद दिखाया गया है कि किस तरीके से फिल्म की कहानी शुरू होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मूवी थी और इसमें कंगना रनावत का रोल बहुत ही यादगार था। अकेले दम पे उन्होंने फिल्म को किस हाई स्टैंडर्ड पे पहुंचा दिया था। फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की थी। नंबर 5 पे सुजाय घोष की फिल्म कहानी, एक बहुत ही दमदार कहानी थी इस फिल्म की। विद्या बालन इस फिल्म में लीड रोल में थी। विद्या बालन को इस फिल्म में एक गर्भवती महिला के किरदार में दिखाया गया था जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति को ढूंढने के लिए विदेश से आती है। उनकी जो तलाश होती है उसमें राणा सिन्हा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी मदद करते हैं। उसके बाद जो फिल्म का क्लाइमेक्स था वो तो गजब का था। मैं आपसे क्लाइमेक्स शेयर नहीं करूंगा, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिए। फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग तो औसम थी, गजब का किरदार उनका दिखाया गया था और उन्होंने उसके साथ पूरा जस्टिफाई किया था अपने उस किरदार को। बहुत ही दमदार एक्टिंग की थी इस फिल्म में विद्या बालन। नंबर 4 पे हम बात करेंगे 2022 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में थी और वो काठियावाड़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आती थी और अपने प्रेमी के साथ वो फिल्मों के शौक के चलते घर से भाग जाती हैं और उनका प्रेमी उनको मुंबई के कमाठीपुरा में बेच जाता है एक सेक्स वर्कर को और उसके बाद वो वेश्यावृत्ति के धंधे में लग जाती हैं। यहीं पर एंट्री होती है फिल्म में एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति की जो रात में सेक्स करने के लिए आता है और उसके बाद वो बुरी तरीके से पीटता है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट बहुत जख्मी हो जाती हैं, उससे बदला लेने के लिए वो मदद मांगती हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला यानी कि अजय देवगन से। अजय देवगन बहुत ही जबरदस्त रोल में इस फिल्म में दिखाए गए हैं और जो मदद करते हैं। उसके बाद कमाटीपुरा की लेडी डॉन बन जाती हैं आलिया भट्ट। उन्होंने बहुत ही दमदार एक्टिंग इस फिल्म में की है और पूरी फिल्म को अपने बल पे चलाया है। हाँ, इस फिल्म में जो है विजय राज जो है उन्होंने रजिया बाई का रोल किया है और बहुत गजब के दिखे हैं वो भी। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। नंबर 3 पे है फिल्म मनी कर्णिका यानी कि द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बेस्ड ये फिल्म थी। इस फिल्म में कंगना रनौत ने रोल किया था झांसी की रानी का और बहुत ही दमदार एक्टिंग इसमें दिखाई गई है। किस तरीके से वो 1957 के महासंग्राम में मोर्चा लेती हैं अंग्रेजों से और जब अंग्रेज उनके किले पर आक्रमण करते हैं तो वो किस तरीके से उनसे लड़ती हैं और बहुत ही दमदार रोल था इस फिल्म में। जैसे कि उनका कैरेक्टर था लक्ष्मीबाई का उसके साथ पूरी तरीके से न्याय किया था कंगना रनौत ने और अपने दम पे फिल्म को बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पर लेकर चली गई। नंबर 2 पे है 1981 में आई मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान, अवध की एक तवायफ। उमराव जान अदा के रोल में थी रेखा और लीड रोल उन्होंने इस फिल्म में किया था। अपनी दमदार अभिनय नृत्य से इस फिल्म को उन्होंने 4 चांद लगाए थे। बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी और फिल्म के गाने इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं तो आज भी बहुत पॉपुलर हैं, हजारों रील उनकी बनती हैं। इस फिल्म में अपने डांस और अपने अभिनय से रेखा ने सबको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी कामयाब सक्सेसफुल आइकॉनिक फिल्मों में इसका नाम आता है।
अरब नंबर एक की बात करेंगे तो 1957 में महबूब खान की एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, हिंदुस्तान की सबसे कामयाब सफलतम आइकॉनिक फिल्मों में इसका नाम आता है। और इसमें जो रोल किया था माँ का वो था नरगिस का। नरगिस ने इस रोल को अपने शानदार अभिनय से जीवन कर दिखाया था। एक भारतीय नारी के आदर्श के रूप में दिखाया गया था जो कि जमींदारी प्रथा और उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, उनसे लड़ती हैं। देवी रूप में दिखाया गया था इस फिल्म में नरगिस को। और उसके बाद उनका जो बेटा होता है वो विद्रोह करके जब बगावती तेवर अपनाता है और गलत राह पे चल देता है तो नरगिस अंत में उसको गोली मार देती है। बहुत ही मार्मिक स्टोरी इस फिल्म की, हिला देने वाली स्टोरी थी। और इस फिल्म में नरगिस का रोल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और आज भी जो सबसे दमदार अभिनय की बात होती है तो नरगिस का नाम सबसे पहले आता है। तो ये थी वो टॉप 10 लीडिंग रोल परफॉर्मेंस जो कि एक्ट्रेस ने कमी पूरी कर दी थी फिल्म में किसी बड़े एक्टर के ना होने की। और ये फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। ये हमारी स्टोरी कैसी रही है, इसमें किसी और का भी नाम आना चाहिए था, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।